आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1। सेंटर का की पट्टिका का अनावरण करते हुए ONGC सर्वाइवल सेंटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गोवा में हैं और बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है। गोवा का ONGC सर्वाइवल सेंटर की पट्टिका का उन्होंने इस समय अनावरण किया है और तापस भट्टाचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तापस, क्या कुछ अपडेट है? जी शायद सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गोवा पहुंच चुके हैं इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ONGC सर्वाइवल सेंटर इसका उद्घाटन किया। ये एक बहुत ही अहम एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर है। मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कहता हूँ क्योंकि अगर आप देखें किसी भी पेट्रोल और गैस का जो प्रोडक्शन होता है वो 70% से ज्यादा जो होता है वो ऑफशोर और यानी कि समुद्र के तरफ होता है। अब समुद्र बहुत ज्यादा रिस्की होता है, तो वहां पे किस तरीके से लोगों को ट्रेन किया जाए वहां पे काम करने के लिए, वो बहुत वहां पे जो रिस्क है उसको कैसे संभाला जाए, तो उसका ये सेंटर ये पहला ऐसा देश में बना हुआ है। इससे पहले बाहर लोगों को जाना था पड़ता था ट्रेनिंग करने के लिए, तो ये अगेन जैसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया का नायाब एक उदाहरण है। दूसरी अहम चीज है कि ये 10,000 से 15,000 लोगों को हर साल इसको ट्रेनिंग देगा। इसमें जो समुद्र में जिस तरीके की लहरें उठती है या जिस तरीके से हार्श वेदर होता है उसको स्टिमुलेट किया जाता है कि वहां पे अगर ऐसी दिक्कत आई तो आप कैसे उसको उससे पार पाएंगे। और एक और जो चीज अहम हमें पता चली है कि बहुत सारे लोगों को जान, मतलब जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो ये जो ONGC सी सर्वाइवल जो सेंटर है वो उससे ये बताया जा रहा है कि ये लोगों को जिस तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी उनको लोगों को जान बचाने की मदद हो रही है। खासतौर से ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती है कि लोगों को स्ट्रैप कर दिया जाता है एक केबिन के साथ और समुद्र एक डेप्थ में उनको लेके जाते हैं, पानी की एक डेप्थ में लेके जाते हैं और वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे ऐसे मौकों पे जहाँ पे अगर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है या किस तरह से वो पानी में चले जाते हैं तो वहां से कैसे अपनी जान बचा के निकलते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फर्टिलिटी रेट जो है करीब 3 से 4 गुना ज्यादा है इंडिया में ऐसे जब क्रैश होते हैं या फिर इससे की कोई विपदा आती है, तो इसी वजह से ये किया गया। विदेशों में एक अगर 40 होता है तो उसमें से एक फर्टिलिटी रेट होती है, यहाँ पे उससे ज्यादा है। तो ये जो फर्टिलिटी रेट है इसको कम करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ये ONGC सर्वाइवल सेंटर बनाया जा रहा है। तापस, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सर्वाइवल सेंटर है, प्रशिक्षण केंद्र है, ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक मानकों तक उसे आगे बढ़ाने के लिए एक अद्वितीय एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में ये विकसित किया गया है। बिल्कुल, इसका ये जो सर्वाइवल सेंटर है ये अपने आप में एक अनूठा एक ट्रेनिंग सेंटर है। मैं इसलिए इसको इम्पोर्टेंट और ज्यादा मानता हूँ क्योंकि ये जो है ये एक तरह से विदेशों में लोगों को जाना पड़ता था पहले ट्रेनिंग लेने के लिए, और अगर जिस तरीके से देश जो सी पोर्ट को आगे बढ़ा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग ONGC तो एक है कंपनी लेकिन बहुत सारे और कंपनीज जो कावेरी बेसिन कही है या फिर ऑफशोर में जो ड्रिलिंग कर रही है, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सोचिए अगर आप ऑफशोर में आपका पेट्रोल प्रोडक्शन बढ़ाना है, गैस प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपको मैन पावर चाहिए होता है। मैन पावर चाहिए तो आपको मैन पावर को ट्रेन करना पड़ेगा, अगर ये ट्रेन नहीं होंगे तो उनकी जान का खतरा रहता है। और ये मैं बताना चाहूंगा समुन्द्र में दिनों दिन रातों रात काम करना आसान नहीं होता, उस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनकी ट्रेनिंग पे खर्चा किया जाए, इनको एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाए। और जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि भारत एनर्जी की जो दिशा में अपने आप को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट करना चाहते, तो उस इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो ऑफशोर वेसल्स हैं, ऑफशोर जो सेंटर्स हैं, वहां पे उन लोगों को तैनात किया जाए जो पूरी तरह से ट्रेन हो, जिनको पूरा पता हो कि इस तरीके से इसको कैसे कैसे किया जाए। जिस तरह से देखिए इसमें संख्या 10,000 से 15,000 कर्मियों को प्रशिक्षित करने की बात कही जा रही है कि एक साल में प्रशिक्षित हो सकेंगे, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में रोजगार की भी और ज्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी। देखिए रोजगार इस तरीके से नहीं कि जो 10-15 हजार के लोग हैं उनको रोजगार, वो तो अलग चीज है, वो तो उनको ट्रेनिंग वो मिल ही रहा है, लेकिन जो अहम चीज है कि आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम बनता है, एक ओवरऑल एक सिस्टम जो होता है उस पर एक बहुत अहम चीज है, क्योंकि पेट्रोल ऑयल
गैस, ये जो ये सारी चीजें हैं, ये एक तरह से इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है वो फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि इस ऑयल बेस्ड या गैस बेस्ड और कोल बेस्ड है। तो अगर इनको अगर चलाना है तो इनको हमारे को जो देश की जो जो कंपनीज हैं उनको ऑफशोर से लेना पड़ेगा, ये ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। ड्रिलिंग मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत ही रिस्की बिजनेस होता है, क्योंकि समुद्र स्थिर नहीं है, वहां पे हवाएं आती है, साइक्लोन आता है, हमने देखा है कितनी दिक्कतें होती है। तो जब इस तरीके की विपदा होती है, अगर आप मानिए कोई हेलीकॉप्टर से वहां पे पहुंचा, आप ऐसे पहुंच भी नहीं सकते, आपको हेलीकॉप्टर से पहुंचना है, हेलीकॉप्टर में कभी प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत हो गई, क्या वो क्रैश हो जाता, तो वो किस तरीके से उनको संभाला जाए, किस तरीके से वो उन लोगों की जान बचाई जाए, वो अहम हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि 10-12 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी, 10-12 हजार लोगों को जब हर साल आप ट्रेन करते हैं तो आपके पास एक मैन पावर तैयार होता है। दूसरा, ये देश का पहला है और आसपास के जो पूरा एरिया है वहां पे भी इस तरीके के पहला बनाया गया है सेंटर। तो बाहर से भी लोग, जो साउथ ईस्ट एशिया कहिए, साउथ एशिया की बात करें, वहां से लोग यहाँ पे आके ट्रेनिंग करना चाहेंगे, क्योंकि सब जगह पे ये ऑफशोर जितने भी, जैसे मैंने कहा 70% से ज्यादा पूरे विश्व में जो ड्रिलिंग होती है, जो ऑयल प्रोडक्शन कहिए, गैस प्रोडक्शन कहिए, वो ऑफशोर से होता है। तो लोग यहाँ पे आना चाहेंगे, आके यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, और एक तरह से भारत एक माप चिन्ह में आ जाएगा, जो जो प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इस तरीके के खास ट्रेनिंग पे। तापस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान शब्दों में अगर आप बताएं कि समुद्री सर्वाइवल की सर्वाइवल में पहले किस तरह की बाधाएं आती थी, किस तरह से ये और ज़्यादा हेल्पिंग साबित होगा जो प्रशिक्षु होंगे उन लोगों के लिए। देखिए, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एग्जांपल दिया कि अगर आप ऑफशोर की तरफ जा रहे हैं, आप कहिए एक हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, एक सिंपल सी चीज आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं लेकिन समुद्र में तूफान ज्यादा हुआ है, हवा का ज्यादा है, और हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, हेलीकॉप्टर क्रैश करके पानी में गिर गया। अब ऐसी दिक्कत आती है कि आप उनको कैसे रेस्क्यू करेंगे, हेलीकॉप्टर में जो लोग बैठे हैं उनको कैसे रेस्क्यू करेंगे, मशीन गई, हेलीकॉप्टर खराब हुआ, टूट गया, वो समझ में आता है, वो फिर बन सकता है, लेकिन जान कैसे बचाएंगे। ये जान बचाने का जो जो ये जो पूरी तकनीक है, ये इस सी सर्वाइवल सेंटर में दिया था कि अगर आपका हेलीकॉप्टर, जैसे आपको पता है कि हेलीकॉप्टर कांच से और मेटल से ढका रहता है, तो अगर वो पानी के अंदर चला गया तो आप उससे बाहर निकल के कैसे आएंगे, कैसे आप अपने आप को बचाएंगे उस पानी के उस दबाव से, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, हवा रहती है, तो कैसे आप वो करेंगे आप। यानी कि ये कह सकते हैं, देखिए, पर्यावरण संरक्षण ले लीजिए या फिर मानवीय मूल्यों का संरक्षण ले लीजिए, उस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मानवीय मूल जो है उसका बहुत अहम है, लोगों की जान बचाना बहुत अहम है। जैसे मैंने कहा कि अगर ये ही लोग हैं जो हमारे घरों पे जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही, जो एनर्जी आ रही है, वो उसको लाने में बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर वो तभी साकार होगा जब इन लोगों को बताया जाएगा कि आपकी जान को खतरा नहीं है, आपको बचाया जाएगा, आपको बचाया जा सकता है और आप बच भी जाएंगे, वो जब उनको आश्वासन मिलेगा तो वो अपनी जी जान लगा के काम करेंगे। तो ये एक बहुत अहम पहलू है इसका, और ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट, मैंने कहा समुद्र के पानी के नीचे एक बहुत डेप्थ में इसको बनाया गया, इस पानी डेप्थ में रखा गया है, तो लोग जाएंगे नीचे, जब उतरते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे सांस रोकना चाहिए, कैसे उस तरीके से लोगों को अपने आप को बचाना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट रखना चाहिए, कैसे वहां से जब बहुत ज्यादा पानी का दबाव है तो वहां से कैसे निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं तापस, ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत दूरदर्शी सोच, मानवीय मूल्यों को बचाने की जो सोच है, लोगों के लिए काम करने का जो जज्बा है, वो कहीं ना कहीं इन सारे तमाम कामों से परिलक्षित होता हुआ नजर आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सच में दूरदर्शी सोच है, क्योंकि इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की ट्रेनिंग फैसिलिटी इंडिया में होगा या किया जा सकता है। ये पहली बार इस तरीके की फैसिलिटी दी गई है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि देश बदल रहा है क्योंकि देश की सोच बदल रही है। सोच इसलिए बदल रही है क्योंकि हम विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विजन किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। तो ये विजन के साथ जब आगे देश चलता है तो कहीं ना कहीं देश का पूरा जो सिस्टम है वो बदल रहा है। आज की आप बात करें, 10 साल पहले एनर्जी डिफिशियंट भारत हुआ करता था, हम लोगों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी कमी होती थी। आपको शायद याद होगा कि कोल कंजम्पशन, कोल बेस्ड ज्यादातर थर्मल पावर यूनिट से वहां पे कभी कभार
ऐसा भी हुआ कि कोल की मात्रा कम हो गई है कि शायद वो शटडाउन हो सकता है, बहुत बार एनर्जी दूसरी जगह से लेनी पड़ी थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम ना सिर्फ उससे पार पड़ आ चुके हैं, लेकिन एनर्जी सरप्लस बन रहे हैं। और सिर्फ एनर्जी सरप्लस नहीं बन रहे हैं, हम इसके बाद आगे लेके जा रहे हैं कि किस तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी पे जाए, किस तरीके से नेट जीरो 2070 तक भारत ने एक वो दिया है कि हम 2070 तक पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको बदल देंगे, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है उसको बदल के हम हरित एक इकोनॉमी पे लेके आएंगे। उसको कैसे लेके आएंगे, वो आप पूरा चेंज करें, आप कॉम्प्रेस बायोगैस लेके आ रहे हैं, आप सीएनजी से ज्यादा उसमें मूव करें, आप हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करें, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें। और मैं इसलिए बार बार इसका कहना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है जब आप आज के डेट में जो पोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं वो पोल्यूशन ज्यादातर 60-65% जो है वो व्हीकुलर पोल्यूशन यानी कि जो गाड़ियां चलती है उससे हो रहा है। तो अगर आप गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में या फिर हाइड्रोजन सेल बेस्ड जो एक उस पर शिफ्ट करते हैं तो आपका ये पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। अब उसमें उसको करने का भी तरीका है, अगर ये बहुत महंगे होते हैं तो अगर एनर्जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आता है तो टेक्नोलॉजी के जरिए ये सस्ता भी होना चाहेगा। एक जमाना था जब कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि ईवी व्हीकल्स 400, 500, 600 किलोमीटर एक बार के चार्ज में चल पाएंगे, लेकिन आज वो समय बदल रहा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है। क्या किसी ने सोचा था कि पानी के जरिए गाड़ियां या बसें चलेगी, अब हाइड्रोजन फ्यूल आ गया है उसके जरिए हम चलाने की कोशिश करें। डेमोन्स्ट्रेटर एक बस तैयार किया गया इस इंडिया एनर्जी वीक में, जहां पे दिखाया जा रहा है कि एक बस हाई कैपेसिटी बस उसको कैसे चलाया जा सकता। तो इस तरीके के जो टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो तैयार की जा रही है। बिल्कुल, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, आकाश में भी हम अपना परचम लहरा रहे हैं तो समुद्र में भी किस तरह से हमें अपनी जानें बचानी होंगी, किस तरह से हमें समुद्र के अंदर सर्वाइवल कैसे रहे उसके लिए भी तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और ये तमाम प्रयास सराहनीय प्रयास है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए हमारे भारत के कदम हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत को अगर विकसित भारत बनना है, भारत को अगर डेवलप्ड कंट्री में शुमार होना है 2047 तक, तो बहुत अहम भूमिका ये जो एनर्जी के माध्यम से होने वाली है, क्योंकि जिसके पास एनर्जी है वो ही आगे जाएगा और वो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाने जा रही है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 जो है इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो इंडिया एनर्जी वीक में ये सिर्फ एक जमावड़ा नहीं है लोगों का, बल्कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत भारी तादाद में लोग आ रहे हैं, जो करीब 35,000 से अटेंडीज हैं, आप 17 कंट्री से जो एनर्जी मिनिस्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो ग्लोबल कंपनीज है, जितने भी आप विश्व के कोई भी बड़ी कंपनी उठा लीजिए जो एनर्जी में डील करते हैं, उनके टॉप सीईओस, टॉप बॉसेस यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भारत में उनको एक आशा दिखती है, भारत इनको आगे लेके जाने का एक माध्यम दिखता है कि अगर भारत आगे निकला तो वो सब उनको सबको आगे लेके जाएगा। तो ये इसी बहुत अहम बात होती है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ONGC सर्वाइवल से निकल के अब जो एग्जीबिशन सेंटर है वहां पे पहुंच चुके हैं। अब वहां पे जो एग्जीबिशन सेंटर है, एग्जीबिशन सेंटर में वो जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जैसे कि भारत ने बहुत इससे पहले भी मैंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। आपको शायद याद होगा जो सोलर अलायंस था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, उसका भी जो उसके में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी भारत ने, और उसके बाद ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसमें भी भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है G20 में। और इसी ये वजह है यहाँ पे जितने भी आप देख पा रहे हैं जितने भी कंपनीज हैं ये यहाँ पे उन्होंने जो अपना पवेलियन लगाया है।